हेलो फ्रेंड, डीके मौर्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएनजी और एलपीजी में अंतर। सीएनजी और एलपीजी में अंतर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या अंतर है, और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं सीएनजी को? तरल प्राकृतिक गैस। तरल प्राकृतिक गैस, ये एलपीजी होता है, तरल प्राकृतिक गैस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। सीएनजी को हिंदी में क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको फुल फॉर्म इसका क्या होता है सीएनजी का? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें अंतर क्या है? पहला अंतर है एलपीजी का तरल प्राकृतिक गैस है। एलपीजी क्या है? तरल प्राकृतिक गैस है, और सीएनजी क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसका दूसरा अंतर क्या है? खाना बनाने में प्रयोग होता है, खाना बनाने में प्रयुक्त तो गैस है ये। सीएनजी में दूसरा क्या अंतर है? इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है, इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में होता है। तीसरा अंतर, इसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सीएनजी में इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक मीथेन और मीथेन तथा एथेन होता है। और एलपीजी का इसमें चौथा अंतर क्या है? यह हवा से भारी होता है। यह क्या होता है? हवा से भारी होता है। सीएनजी में चौथा अंतर क्या है? यह हवा से हल्की गैस होती है, यह हवा से हल्की होती है। इसमें पांचवा पॉइंट, एलपीजी में लीकेज होने पर आसपास बैठ जाती है, लीकेज होने पर आसपास बैठ जाती है, और दुर्घटना होने की संभावना उच्च होती है। और इसका लीकेज को पता करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें? सेंट के रूप में मेथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है इसमें। और इसमें पांचवा पॉइंट, यह लीक होने पर वायु के साथ मिल जाती है। यह लीक होने पर क्या होता है? वायु के साथ मिल जाती है या वाष्पित हो जाती है, जिससे आग लगने की संभावना कम हो जाती है। यह था इम्पोर्टेंट अंतर सीएनजी और एलपीजी में। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मेरा वीडियो समाप्त होता। थैंक यू। जय हिंद।